तो मैं ये रिएक्शन को देखो RCOCH3 -E, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन ये जिंक अमलगम से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और रिड्यूस हो रहा है एक हाइड्रोकार्बन में है ना एल्केन बन रही है इस रिएजेंट को देखते ही पहचान जाओ कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन है क्योंकि जिंक अमलगम इन्हीं का रिएजेंट है ठीक है तो ए को मैच कराएंगे सेकंड से सेकंड रिएक्शन में या बी रिएक्शन में जो बेंज एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं वो एनओ की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हो रहा है कार्बोक्सिल एसिड का सॉल्ट बन रहा है, है ना सोडियम बेंजोएट ये ऑक्सीडेशन हो गया एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है बेंजाइल एल्कोहल में डिस रिएक्शन हो रही है ये किसकी स्पेशलिटी होती है ये इस तरह के एल्डिहाइड्स देते हैं ऐसी रिएक्शन जिनमें एल्फा हाइड्रोजन एबसेंट होता है है ना दे आर नॉट इनोलाइजेबल तो ये रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन ओके फॉर्मेलिटी हेड भी इसी तरह की रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना उसको वो ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं तो बी को मैच कराएंगे फोर्थ से सी में देखो बेंजीन का एसाइलेशन हो रहा है सी ये क्या है एसिटाइल क्लोराइड एनहाइट्रस एलसीएल की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई ये किसका रिजेंट होता है एनहाइड्रस एनहाइट्रोसीएलसीएल फीडल क्राफ्ट का तो ये कौन सा एसआईलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन भी होता है फ्रीडल क्राफ्ट और एसाइलेशन भी होता है दो तरह की रिएक्शन देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें एस ग्रुप जुड़ रहा है ना सी एस सी सीओ ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ठीक है अच्छा फिर इसको मैच करा दिया आपने थर्ड से डी में देखो आपके पास ये साइक्लोहेगेनोन है है ना और उसका हाइड्रोजीन के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है साइक्लोहेगजेन के अंदर फिर हाइड्रोकार्बन बन रहा है और नाइट्रोजन निकल गई ये हाइड्रोजीन जो है ना ये वुल्फ किश्नर का रिएजेंट है वुल्फ वोल्फकिश्नर ने हाइड्रोजन लिया था के ओ एच और इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट किया था किसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एल्डिहाइड और कीटोन और इन्होंने आपको हाइड्रोकार्बन दे देते हैं ये आपको रिड्यूस होके तो ये वुल्फ वोल्फकिश्नर और क्लीमेंसन में इनके रिएजेंट्स में डिफरेंस है दोनों में ही हाइड्रोकार्बन बनते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द रिएजेंट दे आर डिफरेंट नेम रिएक्शंस ओके तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है ना क्लिमेंसन रिडक्शन के बारे में कैनिजारो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और क्या है ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ सब्सिट्यूंट टू द एरोटिक रिंग एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन प्रोसीड वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन में द एल्डिहाइड और रिएक्ट विद हाइड्रोजिन टू फॉर्म अ डेरेवेटिव दिस रिएक्ट विद बेस एंड हीट टू फॉर्म एल्केस ओके तो इस, इस हमारे केस में क्या था ये साइक्लोहेक्गजेनोन और ये साइक्लोहेक्सन थी